चलिए जी, आपका रिस्पांस तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं। असली मजा तब आएगा जब मैं शुरू करूंगा मॉडल टेस्ट पेपर। आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, आप उसका देंगे जवाब। जब हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, तब देखेंगे कौन कितने पानी में है। चलिए देखिए, आपके ना मुझे रिप्लाई तो अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये महेंद्र मीना को सबसे अच्छा वीडियो लगा मेरा, और काफ़ी सारे इनके कमेंट भी मेरे पास रहे थे, आप पढ़ सकते हैं चाहे तो कमेंट। ये बोल रहे हैं कि वीडियो को रोज़ डाला करो। जी, मैं तैयार हूँ वीडियो को रोज़ डालने के लिए, लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज मुझको पड़ती है। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इस पे अभी भी शेयर का रेशियो बहुत कम है। क्या होता है कि अगर वीडियो यूज़फुल नहीं होता यूट्यूब के माध्यम से, उसको लगता है कि व्यू नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं हो रहा है, तो वीडियो यूज़फुल नहीं है, तो वो वीडियो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। अभी लास्ट मंथ मेरे 200 वीडियो रिमूव हुए थे। जी हाँ, 200 वीडियो। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे खर्च होते हैं। लगाइए, मल्टीप्लाई करिए उन 3 घंटों को उन 200 वीडियो से, कितने घंटे हो गए, घंटे का निकालिए डेज, तो कितना टाइम खर्च हुआ। तो इसलिए बस आपसे यही गुजारिश है कि मैक्सिमम जो भी इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देखिए। और भी ये दीपाली जी भी कहती हैं थैंक्स सर, और नितेश थैंक्स सर, और नितेश कुमार अगेन बोलते हैं कि इसी का वेट था, बिल्कुल। और ये गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। प्रवीण कुमार काफ़ी एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। ये कारा सिंह जाला बहुत ही एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, ये सभी जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इन सभी ने ये वीडियो को बहुत लाइक करा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए मेरी ओर से आपको अनेक अनेक धन्यवाद। शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, और इसमें हम कवर करेंगे जब मल्टीमीटर के द्वारा खुले हुए रेजिस्टेंस का मान बढ़ते हैं तो उसका मान क्या होगा। उसका मान होगा आपका अनंत। अगला पॉइंट है आयरन और स्टील कैसा पदार्थ होता है, तो एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है आपके, याद रखना, इसको अच्छे से लिख लो कहीं पेपर पे। बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट नहीं, हम्बल वार्निंग है मेरी आपकी ओर कि प्लीज इसको कहीं पर लिख लेना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फेरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, सर्किट जिसके द्वारा सूचना रेडियो सिग्नल पर लागू की जाती है उसको कहते हैं क्या, मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर उसको बोलते हैं। और 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल सुपर हेड रिसीवर को कौन से स्टेज जांच करने के काम आती है, तो ये आती है ऑडियो स्टेज। और सामान्यतः एक आरएफ ऑसिलेटर है क्या, ये होता है आरसी ऑसिलेटर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड सर्किट को पहचानने के लिए कौन सा केवल एकमात्र सहारा होता है, तरीका होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग स्कीमेटिक, चित्र को चेक करके। नेक्स्ट पॉइंट है एमिटर फॉलोअर का आउटपुट होता है क्या, बहुत कम। सिलिकॉन डायोड की फॉरवर्ड वॉइस वोल्टेज होती है कितनी, वो होती है 0.6 वोल्ट। एंड नेक्स्ट है एम्पलीफायर्स के क्लास बी ऑपरेशन में करंट बहता है किस प्रकार का सॉरी किस प्रकार का बहता है, तो ये बहता है इनपुट साइकिल के आधे में। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक बढ़ाता है क्या एम्पलीफायर का गेन। अभिग्राहित में प्रयुक्त एलसी ट्यून्ड परिपथ का क्या अर्थ, क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य होता है वंचित रेडियो आवृत्ति की ट्यूनिंग करना। अगला है एंटेना की ऊंचाई में घटाव करने से विकिरण का कोण क्या होगा, जो उसका एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी बुक में। एंटेना एरे होता है क्या, ये होता है अर्ध तरंग एंटेनास का एक ग्रुप मतलब समूह। प्रतिघात अधिमिश्रक का उपयोग किया जाता है किसमें, एफएम प्रेषित में, और आवेशित कणों की गति कहलाती है क्या, धारा। एलईडी की अपेक्षा अग्रिम धारा का मान होता है आपका 10 mA से लेकर के 50 mA। एन प्रकार का अर्धचालक होता है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाला। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं एजी के द्वारा वोल्टेज को पैदा किया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को ये बढ़ाता है। अगला पॉइंट है एक ठीक काम कर रहे रिसीवर की सहायता से खराब सुपर हैंड की ऑसिलेटर स्टेज की जांच करना है। यदि डायल 980 kHz पर रखा जाता है तो दूसरे रिसीवर पर सिरी किस फ्रिक्वेंसी पर आएगी, तो वो आएगी 1435 पर। इसको डायल आप एक काम कर लिया, रख लीजिए, इसका फॉर्मूला भी होता है आपको पता होगा शायद,
ऑसिलेटर सर्किट क्लास ए पर काम नहीं करते। याद रखना, ऑसिलेटर जो सर्किट होते हैं वो कभी भी क्लास ए कैटेगरी पर काम नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, जर्मेनियम डायोड में फॉरवर्ड वॉइस वोल्टेज होती है कितनी? 0.3 वोल्ट। एंड सिलिकॉन डायोड में नी वोल्टेज लगभग कितनी होती है? 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि सी डब्ल्यू ट्रांसमीटर से सूचना भेजी जाती है रेडियो सिग्नल के बीच में रुकावट पैदा करके। सिलेक्टिविटी को अच्छा बनाने के लिए रिसीवर की बैंड विड्थ जो होती है, बैंड विड्थ को कौन से तरीके से डिक्रीज करा जाता है, घटाया जा सकता है? तो ये होता है अधिक ट्यून सर्किट का प्रयोग करके। क्या होगा, बैंड विड्थ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, पब्लिक एड्रेस यंत्रों के लिए वेफल किस आकार का होता है? तो वो होता है 30 × 20 × 12 इंच, मतलब लेंथ 30, ब्रेथ 20, हाइट होगी इसकी 12। LBH आपको पता है ना फॉर्मूला होता है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि द्विध्रुवी एंटीना का लाभ मतलब गेन बढ़ाया जा सकता है अधिक संख्या में वर्धक मतलब बूस्टर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटीना को लाभ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब में 3 इलेक्ट्रॉन गनों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है कितने एंगल पर, कितने डिग्री के कोण पर? तो वो है आपका 120 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से अलग रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु का भार किस तत्व पर निर्भर करता है? तो ये करता है प्रोटॉन की संख्या पर। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1 माइक्रो एम्पियर की धारा द्वारा 1 मीटर दूर स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धारा संग्रहिता। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी युक्ति जिससे किसी चालक का प्रतिरोध मापा जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ओम मापी। क्या? ओम मापी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिससे किसी परिपथ की विद्युतीय ऊर्जा वह मापी जाती है वह कहलाता है वाट घंटा मीटर। धातुओं में ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से जो गुण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। परावर्धन का कार्य करता है क्या? ये करता है डायोड वॉल्व। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सब प्रेशर ग्रिड होता है पैटोड वॉल्व में। वॉल्व नंबरिंग के मध्य के एफ अक्षर का अर्थ होता है पैटोड वॉल्व। और प्रकाश विद्युतीय प्रभाव समर्थन करता है प्रकाश के कण प्रवृत्ति का। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है क्या? उसको बोलते हैं औसत आयु। और जिनकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रोधियों के बीच होता है वे कहलाते हैं अर्धचालक। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है क्या? अर्धचालक। और उल्टे क्रम में एक दूसरे से सटे दो पी एन संधि को कहते हैं ट्रांजिस्टर। ताप जनित उत्सर्जन की व्याख्या की गई है रिचर्डसन समीकरण द्वारा। एंड छिद्रे मोबाइल आवेश वाहक होते हैं फॉरबिडिन बैंड में जब 4 डायोडों को सेतु परिपथ की तरह दृष्टिकारी परिपथ में लगाया जाता है तो वे कहलाते हैं ब्रिज दृष्टिकारी। एंड दृष्टिकारी के आउटपुट वोल्टेज के आरएमएस प्रतिवर्ती धारा तथा दृष्टिकारी वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिपिक गुणांक। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिपिल आवृत्ति होती है तो ये होती है 100 हर्ट्ज। और किसकी दक्षता अधिक होती है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की। और बात करेगा किसकी कम होती है तो आप एक बार जरा कम भी देख लीजिए तो कम होती है अर्ध तरंग की और अधिक होती है वो होती है पूर्ण तरंग की। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि ऐसी सारणी जो तार्किक द्वार के लिए सभी इनपुट आउटपुट संभावनाओं को दिखाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सत्यता सारणी। तो फ्रेंड अगला पॉइंट जो होगा, अगला वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ये, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आज एक आपसे एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पार्ट 2 में पूछा था, आंसर तो बहुत ही कम लोगों ने बताया था मुझको उसका, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा
पिछले ही वीडियो में से पूछूंगा, पार्ट टू में से इसका आप मुझे राइट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2 डिग्री में कितना सेकंड होता है? इसका डिस्कस हमने पार्ट टू में करा था। तो फ्रेंड इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगेन बोलूँगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हैं, मतलब टेलीग्राम एक सर्विस है, उसके माध्यम से आप इसको शेयर करिएगा। अब देखिए पार्ट वन में, पार्ट टू में क्या व्यू रहा, ये डे बाय डे व्यू क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, जबकि डे बाय डे वीडियो व्यू जो होने चाहिए वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि लोग क्या होते हैं, वीडियो के साथ में जुड़ते जाते हैं। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उसमें व्यू क्यों नहीं ऐड हो रहे? तो केवल सिंपल सोचना, क्योंकि देखिए वीडियो रिमूव हुए थे, 200 वीडियो का दुख कितना होता है, शायद आपको इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन टाइम कितना खर्च होता है इसका आइडिया हमको बहुत अच्छे से है। तो मैं नहीं चाहता कि ये भी मेहनत हमारी ख़राब हो। लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाई कर्म तो मैंने उसमें भी करा था, मैंने कोई फल की चिंता नहीं करी, बहुत रिस्क लिया मैंने। देखिए वीडियो की लेंथ कहते हैं कि 15 मिनट, 10 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैंने 45 45 मिनट तक के वीडियो बना रखे हैं, एक एक घंटे के वीडियो मैंने कर रखे थे यार। तो मैं अगर आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ तो आप भी छोटा सा रिस्क ले लीजिए। रिस्क कुछ नहीं है, बस दूसरे की सहायता करिए, सहायता करेंगे शेयर के माध्यम से। थिंक अबाउट इट, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि मुझको रिस्पॉन्स